फ्रेंड्स, अगर आपके पास 10 दिनों का टाइम है और 10 दिनों में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वजन कम करना चाहते हो, तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, ये एक्सरसाइज आपको करनी है और दो तीन छोटी छोटी से टिप्स दूंगी, बस उन टिप्स को फॉलो कर लेना। 10 दिन में आप लिख के रख लो, आपको 3 से 4 किलो वजन ज़रूर कम हो जाएगा। बस आपको मेरी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, बस यही एक्सरसाइज आपको करनी है। जितनी जितनी बार बता रही हूँ उतनी उतनी बार करनी है, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आके आप खुद मुझे बताओगे कि हाँ, मुझे रिजल्ट मिला है, मैंने इतना वजन अपना कम किया है। ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये उन लोगों पे और भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा जो बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रहे हैं और बस अभी सोचा है कि बस आज से हमें वेट लॉस करना है। उनके ऊपर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करने वाला है इसको, ठीक है। तो चलिए, आप में से जो भी लोग प्रॉपर टाइप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, सही तरीके से करना चाहते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी गोली को खाए, बिना कोई चूरन खाए, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और एज इट इज़ फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने वीडियोस तो पहले भी देखी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। ये जो आपको मैं प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ, ये अगर आप म्यूजिक को प्ले करके म्यूजिक के साथ साथ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस तरीके से मैट के सेंटर में आ जाइए, अपने दोनों पैरों को आपको इस तरह से साइड में रखना है ऐसे, और साथ में हाथों को इस तरीके से मूव कराना है, यानी ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से। ये बहुत अच्छी वार्म अप प्रैक्टिस है, ये हाथ पैर पेट कमर सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से वार्म अप हो जाता है। तो कोई भी गाना ये प्ले कर लो, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का, और जितनी देर वो म्यूजिक बज रहा है, वो गाना चल रहा है, उतना देर आपको इस तरीके से ये आपको करना है, ठीक है। अभी मैं आपको 10 बार करके दिखा रही हूँ, बाद में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझ में आ गया। पूरा करीबी आपके आधे घंटे के आसपास का पूरा वर्कआउट रहेगा, ठीक है। तो अभी आपने 3 से 4 मिनट ये कर लिया, अब आपका पूरा बॉडी एकदम ओपन हो जाएगा। एक बार तो अभी आप मेरे साथ साथ में करते जाओ, उसके बाद आप म्यूजिक के साथ में इसको एज इट इज करना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस। दोनों पैरों के बीच में गैप बनाइए इस तरह से, आराम से, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, मुठियाँ बिल्कुल टाइट बंद करेंगे, और आपको जोर से ना पंचिंग करना है ऐसे, ये जोर से पंच लगाना है। जब आप पंच लगाओगे तो अपनी एडी को ऊपर उठाओगे, पूरे पैर को ऊपर स्ट्रेच करोगे, एंड देन सेंटर चेंज चेंज चेंज, ठीक है। दूसरा गाना प्ले करना है आपको, आपका फेवरेट गाना प्ले करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, और इस तरीके से आपको ये पंचिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इतना सा करने के बाद आपका 3 मिनट का एक गाना हो गया। मैं 3-3 मिनट के मान ले रही हूँ कि आप छोटे छोटे गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके जो फेवरेट गाने हैं वो छोटे छोटे हैं। तो 3 मिनट आपने फर्स्ट वाला प्रैक्टिस किया और 3 मिनट आपने ये वाला प्रैक्टिस किया, ठीक है, दो प्रैक्टिसेस हो गए। तो यहाँ से आपकी बॉडी में पूरी तरीके से रेडी है कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस तरह से खड़े होना है, दोनों हाथों को इस तरह से सेंटर में लाएंगे और पूरा इस तरह से ओपन करेंगे, ये ऐसे पूरा हाथ की उंगली से लगा के कोहनी तक पूरा मिलाएंगे, एंड देन ओपन, ठीक है। कम ऑन, इसको 10 बार करते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी अपर बॉडी को फैट को रिड्यूस करने के लिए, आपकी शोल्डर्स को, आपकी अपर आर्म्स को, आपके बाजुओं को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये आपको करना है, पूरे एक सॉन्ग के साथ साथ आप इसको कर सकते हो, या फिर कोई छोटा सा सॉन्ग, 1-1.5 मिनट का सॉन्ग लेके इस प्रैक्टिस को आपको करना है। कितने मिनट का हो गया टोटल वर्कआउट, 7 से 8 मिनट का, ठीक है। बीच बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक भी लोगे 10-10-20-20 सेकेंड के, तो करीबी 8 से 9 मिनट का आपका यहाँ तक का हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे, हाथों को सेंटर में रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने हाथ से टच करेंगे ऐसे, राइट लेफ्ट, ठीक है। वापस हाथ यहीं लाने हैं, कमर को आपको बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, ठीक है। कोई भी एक सॉन्ग आपको प्ले करना है 3 से 4 मिनट का, और इसको इस तरीके से 10 बार अभी आप एक बार मेरे साथ में करो, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि बाद में आप मेरा वीडियो चलाए बिना म्यूजिक के साथ भी सारे प्रैक्टिसेस कर सको। तो एक बार मेरे साथ साथ में ज़रूर करना। सो कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। अच्छा, हम बार बार ना म्यूजिक का जिक्र कर रहे हैं कि अपना फेवरेट सॉन्ग चलाना, अपने फेवरेट सॉन्ग चलाना, तो भाई आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा सॉन्ग बताना कि जिसको चलाते ही आपको मन करता है कि बस अब डांस करना शुरू कर देते हैं। आपका फेवरेट सॉन्ग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आपको नीचे कमेंट में बताऊँगी मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। इसके लिए दोनों पैरों को आपको इस तरह से खोलना है, एक बार लेफ्ट में पूरा एक्सटेंड करेंगे, एक बार राइट में इस तरह से। ये ध्यान रखना, पैर को भी आपको पूरा स्ट्रेच करना है। ये पैर को भी पूरा स्ट्रेच करोगे इस तरीके से, 1 2 3 ऊपर देखिए, 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो मैं आपको सिर्फ 10-10 बार बता रही हूँ, आपको इसी हिसाब से जैसे मैंने बताया था सॉन्ग के साथ साथ में आपको इसको करना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस ये इस तरह से आएंगे और आपको इस तरह से पूरा टर्न करना है, एक बार राइट लेफ्ट। ध्यान रखना कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेट को आप बिल्कुल टाइट करके रखोगे और कमर को बिल्कुल सीधा रखोगे इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। बड़े आराम से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 बार आप मेरे साथ में कीजिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दैट्स इट। फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिसेस है ना, ये चाहे आपकी उम्र 12 साल है, चाहे 22 साल है, 32 साल है, 52 साल है, 72 साल है, यानी कि हर उम्र के लोग डेफिनेट तौर पे इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। और जब आप इनको म्यूजिक के साथ में करोगे ना, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ये करने में। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, इसके लिए दोनों हाथों को आप इस तरीके से ऊपर खोल देंगे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ, और अपने ऐसे हील्स को अपने बटक्स पे किक करेंगे, ये ऐसे करके, ठीक है। सीधे खड़े होंगे और इस तरह से आपको किक करना है, ये तो आपको भंगड़ा वगैरह चला के ना, और फिर उस पे आप ये प्रैक्टिस करना, और बहुत मज़ा आपको आएगा इस तरह से, ठीक है। तेरे प्यार करन को जी करदा, इस तरह से ना कोई भी सॉन्ग चला के, और फिर आप आराम से ये प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आपकी इसमें कैलोरीज बर्न होंगी और आप बिल्कुल आप थकान भी महसूस नहीं करोगे। करके ज़रूर देखना और फिर आप मुझे बताना कि कैसा आपके एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस को देख लेते हैं, जिसके लिए सेंटर में आएंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे, दोनों हाथ ऊपर इस तरह से, एक बार अपना राइट वाला पैर ऊपर उठाएंगे और एक बार लेफ्ट वाला, ये कमर बिल्कुल सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको भी किसी अच्छे से म्यूजिक के साथ में प्ले करना और फिर मुझे बताना। आप चाहे तो आपने किस किस म्यूजिक के साथ में कौन कौन से नंबर की एक्सरसाइज, यहाँ पे मैं नंबर लिख दूंगी एक्सरसाइज के साइड में कॉर्नर में, तो किस किस नंबर की एक्सरसाइज करना, कौन कौन सा गाना आपने लगाया, कमेंट करके बताना, बहुत मज़ा आएगा कमेंट्स पढ़ने में, ठीक है। तो ये सारे वर्कआउट्स आपको करने हैं, तो ये तो बात होगी एक्सरसाइज की। अब मेन 2-3 पॉइंट आपको ज़रूर से ध्यान रखने हैं अगले 10 दिन। पहली चीज़, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। कोई भी चीज़ खाओ आप, चाहे कुछ भी, रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, फुल्का खाओ, जो भी आपका मन करे वो डेफिनेट तौर पे आप खाओ। चाय भी पियो, दिन में 2 चाय डेफिनेटली आप ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, आप खाना उतना ही खाओगे जितनी ज़रूरत है। एक रोटी की भूख है तो एक ही खाओ, ज़बरदस्ती 4 मत खाओ, ठीक है, ओवर ईट नहीं करना। दूसरा, 100% कट करोगे आप अपनी डाइट से मैदा को, चाहे वो बिस्किट की फॉर्म में हो, चाहे रश हो, या फिर चाहे आपको मटरी खाने की आदत हो, नमकी खाने की आदत हो, इस तरीके जो छोटी छोटी कैलोरीज होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों में जो कैलोरीज होती है, वो आपको आपके डाइट से कट कर देना है। और तीसरा, सबको पता है, वाइट शुगर आपको कट करनी है। और अगर आप ब्राउन शुगर या तो गुड़ या तो हनी वगैरह भी अगर ले रहे हो, पहली बार तो कोशिश करो इनको भी कट करने का, और अगर ले ही रहे हो तो एक दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा कोई भी आप मीठी चीज़ नहीं लोगे, ठीक है, वो चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपने 3 रूल फॉलो कर लिए ना, ओवर ईटिंग नहीं करनी, मैदा नहीं खाना और चीनी नहीं खाना, ठीक है, ये 3 रूल भी अगर आपने फॉलो कर लिए और साथ में ये वर्कआउट अगर आपने कर लिया जो करीब आपका बैठेगा 25 से 30 मिनट का, ठीक है, तो डेफिनेट तौर पे आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके कॉमेंट्स का कि आपने ये किया और आपको इसका क्या फ़ायदा मिला या आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। इस वीडियो से जुड़ा हुआ या किसी भी वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।